अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुनिया आखरत दोनों में ना आपको कामयाबियाँ अता फरमाए। ये गाड़ी है सुजुकी वैगनार 2018 मॉडल, 2018 मॉडल ये गाड़ी है। इस गाड़ी में एरर ये आ रहा है, ओनर कहता है कि गाड़ी का जो जब वो एसी ऑन करते हैं ना अंदर कूलिंग नहीं आती, जो गर्म हवा है ना वो आने लग जाती है। तो अभी जो है मैं आपको चेक कराता हूँ कि इस गाड़ी में क्या मसला है। पहले इसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना रहा था, तो इस गाड़ी में एक एरर था जिसका मुझे भी नहीं पता था। मैंने कहा चलो आपको भी मैं मतलब कि आपके साथ भी शेयर कर दूँ। मैंने अपने काफ़ी दोस्तों को कॉल घुमाई है, ठीक है, उनको भी एक्सपीरियंस नहीं था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें जो भी मसला था। ठीक है, ये आप इसका इंजन कंपार्टमेंट देख सकते हैं। इसको मैंने गैस वगैरह लगाई थी, इसमें जो है ना गैस कंप्लीट थी। इसमें जो एरर था ना, ये आप इसका बेल्ट देख रहे हैं, ये इसका जो बेल्ट है ना, बेल्ट इसका जो है ना वो जल के ना नीचे गिर गया था। तो जलने की जो इसकी वजह है ना, जो इसकी रीज़न बनी है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी जो है ना ये आप इसकी पुली देख सकते हैं, ठीक है ना, ये इसकी कंप्रेसर की एडजस्ट वाली पुली है। इसका जो बैरिंग है ना वो मतलब कि जाम हुआ है, एडजस्ट वाली इसकी पुली का जो बैरिंग है ना वो जाम हुआ है, जिसकी वजह से जो इसका कंप्रेसर का बेल्ट है ना वो जल के ना टूट गया था। ये बैरिंग की भी आप सिचुएशन देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने काफ़ी सारे दोस्तों को कॉल किया, उनको पता नहीं था कि इसकी जो बैरिंग की पुली का एडजस्ट वाली पुली का जो बैरिंग है ना उसका क्या नंबर है। तो फिर ऐसे ही हमने मतलब कि आइडिया वगैरह लगा के ना ये मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। 6004 नंबर। ये जो है ना ये आप देख सकते हो 6004 नंबर, ये अभी आपको ना नज़र आ रहा होगा। और बाकायदा जो इसकी डब्बी है ना उस पर ही मैं आपको मेंशन करवा देता हूँ, ठीक है, 6004 नंबर। और इसकी जो फिटिंग है ना वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। पहले ये आएगा इस पुली में, ठीक है, ये जो इसका गुटका है ना एक छोटा सा, बैरिंग उठा यार, पहले आएगा ये इसमें, ठीक है, इसको यहाँ पर लगा कर ना यहाँ पे रख कर ऊपर ये जो बैरिंग है ना, ये एक बैरिंग हमारे पास काबिली था, ये हमने नहीं लगाया, ठीक है ना। ये बैरिंग रखेंगे इसके ऊपर, यहाँ पर चोल लगाएंगे हैमर से तो ये बैठ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना इसको पुली में फिट करेंगे और इसके ऊपर एक वाचल आती है वो भी रखेंगे। बस 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 वे आराम आराम बराबर। ये जो अभी इसका बैरिंग है ना ये अभी हम पुली में बिठाने लगे हैं, ठीक है ना, ये इसी तरह बैठेगा। गाड़ी में जो कंप्रेसर इंस्टॉल है ना वो सुजुकी वैगनार का जो अपना कंप्रेसर होता है ना जेन्युइन, वो नहीं है। जो इसमें कंप्रेसर इंस्टॉल है वो मेरे ख्याल में होंडा लाइफ का कंप्रेसर है जो इस गाड़ी में लगा हुआ है। तो फिर जो इसका बेल्ट है ना, बेल्ट का नंबर भी चेंज हो जाता है, बेल्ट थोड़ा इसको ना फिर बड़ा लगता है। फेरिंग को ठोकर लगा के ना पुली में अभी बिठा रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो गाड़ी है ना वो क्लियर हो जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो दोनों साइडों से जो है ना बैरिंग पुली में बैठ गई है। अभी इसे गाड़ी में लगाते हैं और गाड़ी स्टार्ट करते हैं। जो आप इसकी पुली देख सकते हैं ना वो मैंने इंस्टॉल कर दी है। ये आप इसका 12 mm का लंबा सा बोल्ट देख रहे हैं, ये मेरे ख्याल में 3 से 4 इंच का होता है। तो इस बोल्ट को ना आप, ये जो आप पुली के आगे देख रहे हैं ना ये 14 का बोल्ट, इसको आप लूज़ करेंगे और बाद में जो है ना आप इसके 12 के बोल्ट को टाइट करेंगे। फिर उसके बाद जो पुली का 14 का बोल्ट है ना सामने वाला उसको भी टाइट कर देंगे। अभी जो है ना पुली में भी नाइस नहीं है। इसमें जो भी हमने बेल्ट इंस्टॉल किया है ना 850 नंबर का इसमें बेल्ट लगा है, ठीक है। अभी इसके नंबर जो है ना थोड़ा हल्का सा लगाओ, हल्का सा बस बंद करो, ठीक है। ये अभी आ गया है ना नंबर, सही है। इधर से मैं आपको दिखाता हूँ 850 नंबर की बेल्ट लगे है इसमें, हल्का सा लगाओ, हल्का सा स्लब लगाओ,
बस बस ये आप देख रहे हो, अभी ये बेल्ट का नंबर भी आ गया 850 नंबर। अभी सलफ लगाओ, ऐसे वगैरह ऑन करो। ठीक है, गेज हमने इसको लगाई है, अभी कंप्रेसर अभी बंद है इसका। ठीक है, अभी ऑन हो गया। अभी जो है अंदर कूलिंग शूलिंग जो है ना वो ओके है, बिल्कुल ओके है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल पर विज़िट करें, आपको हर किस्म की हर गाड़ियों की और हर लिहाज से ना वीडियोस आपको मिलेंगी, आप देखेंगे तो आपके इल्म में काफ़ी इजाफा होगा। मैंने ये आपके साथ इसीलिए शेयर किया है क्योंकि किसी दोस्त के पास ऐसा मसला आ जाता है ना, बेल्ट वगैरह जल जाता है, नंबर का पता नहीं होता और ना ही एडजस्ट वाली पुली का जो बैरंग है ना उसके नंबर का भी पता नहीं होता, तो उनको बाद में जो है ना वो तकलीफ़ ना हो। ये अभी आप देख सकते हो इस पर जो है ना अभी पानी शानी है, मतलब कि सही है, इसमें गैस जो है कम्प्लीट थी।